हाउस वाइफ होम मेकर. सो मेरा स्टार्टिंग से काफ़ी इंटरेस्ट था मूवीज़ में एंड मुझे रहता था कि मतलब मैं एज ए पार्ट उन मूवीज़ में काम करूँ. सो देन आफ्टर माई 12th क्लास आई डिसाइडेड कि आई एम 19 एंड आई एम परस्यूइंग BSc. सो मैंने डिसाइड तभी कर लिया था, मैंने घर वालों को भी क्लियर कर दिया था कि मुझे इसी इंडस्ट्री में कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है. सो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया एंड दे वर एग्री एंड मैं यहाँ मुंबई आ गई एंड मुझे मेरा पहला चांस एज ए को प्रोड्यूसर कहूँगी मैं, मुझे काम करने का मौका मिला संजय सर के साथ एंड आई एम वेरी लकी कि मुझे इतनी अच्छी टीम मिली और पहला प्रोजेक्ट इतना अच्छा हो रहा है. सो वेरी वेरी तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स कम फ्रॉम यू नो स्मॉल टाउन्स या टॉल एंड ब्यूटीफुल, व्हाई फॉर प्रोड्यूस वन एन एक्ट्रेस? आई विल आल्सो थिंक अबाउट एक्ट्रेस बट नॉट नाउ. या एज अ को प्रोड्यूसर ऑफ कोर्स फाइनेंस एंड ऑल दोस थिंग्स एंड ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि बिहाइंड द कैमरा काम करूँ और टैलेंट को भी मौका मिले फ्रंट कैमरे के फ्रंट में आने के काम करने का. सर मेरा नाम सौरभ मिश्रा, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश. आर्टिस्ट होने से पहले मैं मिस्टर यूपी फर्स्ट रनरअप रह चुका हूँ, वहीं पे मेरे को 9X ऑर्बिट फिल्म ने वहाँ से मेरे को उठाया है. उन्होंने मौका दिया, पहली फिल्म मेरी एज आ आर्टिस्ट मेरी पहली फिल्म रही है. एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द मूवी. तो क्या कहना चाहेंगे कि जो बैकग्राउंड है आपका और मुंबई में जो आपने चैलेंज फेस किया उसके बारे में बताइए, किस तरह से आपको ये प्रोजेक्ट मिला? मेरे को एज अ मैं तो चाहूँगा कि मेरे लिए ये एक अच्छा सा लकी चांस था, जो सर लोग आए वहाँ पे मेरे को मेरा टैलेंट देखा पहचाना. बस सर लोग की थैंक यू बोलना चाहूँगा दिल से. अच्छा, क्या क्या स्किल्स हैं आपने? मैंने डांसिंग सोचा है, आपको एक्शन आना चाहिए, काफ़ी चीज़ होता है जो. हाँ, क्या स्किल्स हैं आपने जो एज एन एक्टर है? एज एन एक्टर स्किल्स जैसे हो गया फाइटिंग सीन हो गए और ये सब हो गए. डांस आता है हल्का फुल्का, कभी क्लास किया नहीं है लेकिन होता है, कर लेता हूँ. इस फिल्म में जो रोल प्ले कर रहे हैं उसके बताया कि कितना पावरफुल होगा, कितना इंफ्लुएंसिव होगा ये रोल? तो अच्छा होगा, अब जैसा है विलेन का है जान ही रहे हैं, बढ़िया रोल है, अच्छा रोल मिला है. और इसके अलावा कोई इसमें काम कर रहे हैं, स्क्रिप्ट कर रहे हैं, लेकिन चेहरे से तो आप विलेन लग नहीं अरे सर कैसे किया? स्क्रीन पे बन जाऊंगा विलेन, देखिएगा आप लोग. कैसे कैसे किया है आपने, मतलब दाढ़ी वाड़ी लगा के? कुछ दाढ़ी नहीं है, असली दाढ़ी है. अच्छा, ये सर अभी आपका सीन है यहाँ पे पिक्चर? हाँ. अच्छा, क्या होने वाला, क्या सीन पिक्चर? अब है बढ़ते क्राइम को लेके, जैसा भी चल रहा है उसी क्राइम को दिखाया गया है कि देर है अंधेर नहीं, भगवान के वहाँ पे देर है. हाँ, उसी पे वो विलन आती है क्या? हाँ. अच्छा, वो विलन नहीं, रोल कर रहा हूँ मैं उस विलन का. अच्छा, तो रियल लाइफ में भी आप वैसे ही? नहीं नहीं, अब एज एन आगे आर्टिस्ट एक्टर लगा है तो मतलब है कि मैं बस एक्ट कर रहा हूँ. अच्छा, रियल लाइफ में अगर इस प्रकार की घटनाएँ होती हैं, दुख होता है? बहुत दुख होता है, क्यों नहीं होगा दुख से, एज अ ह्यूमन बींग होना चाहिए. अरे क्यों नहीं होना चाहिए सर, आफ्टर ऑल रिस्पेक्ट करना चाहिए, सब एक जैसे हैं यहाँ पे. थैंक यू. सबसे पहले थैंक गॉड बोलूँगा कि हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि ऊपर वाला चाहता है कि शायद हम अपने सब्जेक्ट को प्रॉपर और बिना किसी विरोध के या बिना किसी कष्ट के या कठिनाई के कंप्लीट कर लें. बल्कि मैं तो ये भी बोलूँगा कि फिल्म के शूटिंग के दरमियान दिल्ली में गर्मी पड़ रही थी और जिस समय हमें एक हमारे एक सीन है जिसमें एक कैरेक्टर मरता है और वहाँ पर मुझे बारिश की ज़रूरत थी और बारिश इतनी अच्छी हो गई कि वो हमारी फिल्म में कैप्चर हो गया. सो इट वॉज नेचुरल सपोर्ट. तो नेचुरल सपोर्ट अगर हमें मिल रहा है तो वी आर रियली थैंकफुल टू द गॉड. कलाकारों का केमिस्ट्री कैसी रही? कोई लेट आता था, फोन में व्यस्त रहता था? कलाकारों की केमिस्ट्री हमारी फिल्म में बहुत अच्छी है, सभी बड़े समझदार हैं. भले ही इनकी इनके लिए मैं इनके साथ में पहली बार काम कर रहा हूँ लेकिन नए हैं लेकिन सुलझे हुए. बिल्कुल नए हैं और सुलझे हुए और समझदार भी हैं, क्योंकि चीज़ों को समझाने के बाद जिस तरीके का इनका रिजल्ट आ रहा है, मुझे लगता है कि हमारी फिल्म को देखने के बाद दर्शक समझ जाएंगे कि नए कलाकार होने के बावजूद भी इन्होंने दिखाया कि हम किसी से कम नहीं हैं. चलिए, कब तक ये दर्शक देख पाएंगे फिल्म? दर्शक कब देख पाएंगे? इसका टीजर प्लान है हमारा अगस्त एंड में,
सितंबर का प्लान है हमारा रिलीज का, और उस टाइम में हम इसको बहुत अच्छे से प्रमोट भी करेंगे, बल्कि लोकेशंस पर भी जाएंगे, और यही अभी तक क्लाइम की हुई है। लास्ट नॉट द लीस्ट, अपील करना चाहेंगे दर्शकों से अपील करूंगा कि बॉस गलती मत करना कुछ भी, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उसकी सजा मिलेगी, बच नहीं पाओगे प्रकृति से, अगर प्रकृति के पार्ट हो, हिस्सा हो, तो गलती ना करने की कसम खा लो। थैंक यू सो मच। ओके, सबसे पहले तो मैं इस कहानी को तब लिखा जब हिंदुस्तान में अच्छा, मैं सुमित सिन्हा हूँ और डायरेक्टर हूँ इस फिल्म का, इस स्क्रिप्ट को भी मैंने ही लिखा है, डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले भी मेरे ही हैं। इस सब्जेक्ट को उठाने का कारण ये है कि 1990 में बंटला एक साउथ चौबीस परगना वेस्ट बंगाल में एक रेप का केस हुआ था, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय ज्योति बसु जी को काफ़ी परेशान किया था, क्योंकि इसमें जो कार्यकर्ता थे उनके पार्टी के, उनके ही द्वारा ये सब किए गए थे, जिसका निर्णय भी वहाँ के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हो चुका है, चार लोगों को सज़ा भी मिल गई थी, लेकिन सज़ा मिलने के इतने सालों के बावजूद भी आज की जो परिस्थिति है उसमें यही है कि कितने भी रेप केस हों, कितने भी लोगों को सज़ा मिले, इस तरह की घटनाओं में कोई कमी नहीं आती है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम इस प्लॉट को इस तरीके से उठाएं कि लोगों को ये बताएं कि आखिर इस तरह की गलत काम को करने की सज़ा प्रकृति कैसे देती है। तो मैंने इस पूरे इवेंट को, घटना को मैंने एक काल्पनिक रूप दिया, जिसमें एक आत्मा अपनी माँ की हत्यारों की से बदला लेती है, उनके बलात्कारियों से बदला लेती है। जब मैं इस चीज़ को सोचा तो मैंने ये भी सोचा कि आज के डेट में अगर हम इसको हॉरर के रूप में क्रिएट करें तो शायद सामने जो लोग इस तरीके के कामों में सम्मिलित हैं, शामिल हैं, करते हैं, उनको ये बात समझ में आए कि जो गलतियां की हैं या होती हैं उसकी सजा प्रकृति कभी ना कभी किसी न किसी रूप में बिल्कुल देती है। सो यही कॉन्सेप्ट है इस पूरे फिल्म का। सुनील जी, एज ए डायरेक्टर बड़ा चैलेंज है आपके कंधों पर, बिकॉज इस तरीके का सब्जेक्ट आपने छेड़ा है। देखिए, मैं कभी लाइफ में कठिनाई को कठिनाई नहीं देखता हूँ, उसको चैलेंज देखता हूँ, नंबर वन। नंबर टू, ऐसे चैलेंजेस को फेस करना है, इसीलिए इस इंडस्ट्री में मैंने अपने पूरे आपको समर्पित कर रखा है कि ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, उन पर हम वन बाय वन कवर करते जाएं। मेरे लिए ये कठिनाई नहीं, मेरे लिए ये चैलेंज है। इस चैलेंज को ऑलमोस्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब है दर्शकों को इस तरीके के फिल्म से इंटरटेन करना, तो ऑब्वियस है इंटरटेनमेंट तो रहेगा ही, लेकिन इसके लेसन्स अच्छे हैं। सुनील जी, सारी कहानियाँ, ये जो कांड हुआ था, पूरे देश को सारी कहानियाँ पता है, क्या ऐसा कुछ बाकी रह गया था जो आप फिल्मों के माध्यम से जनता को बताने वाले हैं? एक्चुअल में जो भी घटना आज के डेट में देश में घटती है या जो पहले भी घटी है, उसके बारे में सबको पता होता है, लेकिन लोग भूल जाते हैं। जब भूल जाते हैं तो हमारा काम उनको रिमाइंड कराने का होता है कि आप जिस चीज़ को भूल गए हो, जिस चीज़ को अब दरकिनार कर चुके हो, उसका लाइफ में दोबारा आना ज़रूरी है, इसलिए कि आप उसके सबक को याद रखें, उसके जजमेंट को याद रखें, उसका रिजल्ट क्या निकला था उन लोगों के साथ में जब कोर्ट ने बड़ी सख्ती से अपना जजमेंट दिया था, तो वो चीज़ हम वापस उन्हें रिमाइंड करना चाहते हैं। साथ में ये भी बताना चाहते हैं कि कोर्ट इज़ नॉट अल्टीमेट प्लेस जहाँ पर सारे ज्यूरिडिक्शन मिल जाते हैं, इसके अलावा प्रकृति भी है जो अपने तरीके से ऐसे दोषियों को सज़ा देती है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में नहीं तो उसके बाद वाले जन्म में, लेकिन सज़ा जब तक वो प्रकृति दे नहीं देती उसको छोड़ती नहीं है। तो हाल ही में एक अभी निर्भया का चार दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश आया कि जो चौथा लड़का था वो नाबालिग था,
उसके लिए उसके वकील ने एप्लीकेशन दायर किया था कि इसको माफ़ किया जाए, इसकी फांसी की सजा माफ़ किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल सही है, क्योंकि बालिग होना नाबालिग होना और हरकतें बालिगों जैसा करना, उसके नाबालिग होने का बिल्कुल मतलब नहीं है। मतलब दे आर प्रूविंग दैट दे आर अडल्ट, दैट्स व्हाई दे आर कंडक्टिंग सच काइंड ऑफ नॉनसेंस और क्रिमिनल एक्टिविटीज। अगर वो नाबालिग है तो नाबालिग की सोच से जिंदगी को जीता, और ऐसी लड़की को जिसको जिस तरीके से निर्भया का केस हुआ है, वैसे में मुझे लगता है कि नाबालिग है तो कोई मायने ही नहीं रखता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसको खारिज करना चाहिए। बॉलीवुड का पैटर्निटी होने के नाते आप कंडम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी जितनी भी घटनाएं होती हैं और सुप्रीम कोर्ट के का जो इस तरीके का जजमेंट आता है दोषियों के खिलाफ, आई रियली अप्रिशिएट एंड सल्यूट दिस, कि ऐसा ही होना चाहिए। अब चलते हैं आपकी फिल्म की तरफ। कशोरा जी, क्या किरदार निभा रहे हैं और क्या कहते हैं इस फिल्म के बारे में? जो सब्जेक्ट है बहुत ही सेंसेशनल है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी कह सकते हैं, तो कितना ज़्यादा प्राउड फील कर रही हैं इस फिल्म के बारे में? और किस तरह से उस एनवायरनमेंट में सुधार होना चाहिए, और आपने कैसा पॉइंट किया फिल्म इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट कैसा पॉइंट किया आपने, मतलब सिक्योर इनसिक्योर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही क्षेत्र में ऐसी चीज़ें देखने नहीं है, आप नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि मीडिया इंटरेक्शन इतना नहीं है। सेकेंडली जैसे कि आपने कहा कि गवर्नमेंट जो बहुत पहले उसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करना चाहते, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सभी लोग जितने भी लोगों को मैंने एक बोला था कि कैसे होगा तो ये हो गया तो मैंने क्या करना चाहिए, फिर जब एक रेप होता है उसके बारे में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये पता होने की बहुत जरूरी है, पता होना और जो बताना बहुत जरूरी है। हम लोग पता किसी सिचुएशन में बताते उसके आगे इसमें से आप लोगों को समझ में आएगा कि उसके बाद में क्या फर्स्ट टाइम आपको एक कहानी सुनाई है, पहला रिएक्शन क्या था आपको, और आपको ये लग रहा था कि हाँ वाकई में ये मेरे लिए चैलेंज है ये किरदार करना, बिकॉज ये बहुत बड़ी हिस्ट्री या कहें कहानी लोगों को बैठा होता है उसको आप प्ले कर रहे हैं, तो चैलेंज था आपके लिए और पहला रिएक्शन क्या था जब कहानी आपको सुनाई गई? एक्चुअली ये इसलिए था क्योंकि हम लोग फिल्मों में बहुत एंटरटेनमेंट दिखाते हैं, बहुत मसाला दिखाते हैं, मसाला पे ज़्यादा फोकस है, ये चीज़ें बहुत टची, हम लोग ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जहाँ पे अच्छी सब्जेक्ट्स पे अगर आप हाथ डालें ना तो देखने वाले से ज़्यादा करने वाले को लगता है कि मैं कैसे कर, मैं खुद कैसे एक्सेप्ट करूँ और अगर मैं कर लूँगा या कर लूँगी तो मेरी ऑडियंस कैसे एक्सेप्ट करेगी, कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ऐसे हज़ार ख्याल आपके दिमाग में। तो जब मुझे सर ने इस टॉपिक के बारे में बताया तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहली बात तो ये प्ले करना ही बहुत बड़ा चाहिए, मैंने कहा कि वो तो करना ही है क्योंकि अगर आपको एक्टिंग में ऐसे रोल करने मिल रहे हैं जो आजकल नहीं मिलते हैं, जो मुझे मिले, सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी मच, सो ऑफकोर्स इट वॉज अ यस।
ऑर्बिट 9X मूवी है ये, और बैनर के नीचे हमारा ये ऑर्बिट 9X बैनर इस मूवी को बना रहा है। अभी ये नेक्स्ट शेड्यूल हमारा है, आज का लास्ट है इसका, और साथ साथ में हमने इसका एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन चालू कर रखा है। अक्टूबर में ये मूवी आप देख पाएंगे। हॉरर रोमांटिक मूवी है ये, दो गाने हैं मूवी में, और पौन घंटे के 1 घंटा 45 मिनट का इसका टाइम स्लॉट है। तो सुनील, जानना चाहूँगा क्या ड्रॉबैक है, मतलब किस तरह का ये सब्जेक्ट है, और कास्ट कैड बताइए कि कौन सा चेहरा ऐसा है जो जाना पहचाना है इसको, थोड़ा सा विस्तार से कहानी के बारे में। हाँ नहीं, कहानी के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा आपको, क्योंकि डायरेक्टर और सबका थोड़ा सा रहता है, राइटर का भी थोड़ा सा रहता है कि रिलीज से पहले स्टोरी ना आए मार्केट में। लेकिन ये बता दूंगा कि एक सच्ची घटना पे मूवी आधारित है। कलकत्ता में एक बहुत बड़ा बलात्कार कांड हुआ था, उसके ऊपर ये स्टोरी आधारित है, संबंधित मतलब उससे रिलेटेड रहेगा, और उसी से संबंधित ये मूवी है। नंबर गेम मूवी का नाम है। स्टार कास्ट में हमारे पास में ऐश्वर्या राजेश हैं, जो मराठी फिल्मों की और सीरियल की आर्टिस्ट हैं, वो अच्छी आर्टिस्ट हैं, काफ़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं, और उनकी एक मूवी अभी पहले भी आ रही है, और सेकंड मूवी हमारी कर रही है वो। जी, आपके बारे में जानना चाहेंगे सर, आपके से जुड़े हैं। मैं कृष्णा भारद्वाज हूँ, इस फिल्म में पार्टी सॉन्ग मैंने लिखा है, और नंबर गेम फिल्म का नाम है, और ये जो पार्टी सॉन्ग है इसी में सब जो कॉन्स्पिरेसी है वो प्लांट होती है, जो कॉन्स्पिरेसी प्लांट होती है, और इसी सॉन्ग में ही कुछ क्लू छुपा हुआ है जो फिल्म में बाद में एक्सपोज होता है। गाना बहुत अच्छा पार्टी सॉन्ग है, और मुझे यकीन है पब्लिक इसको पसंद करेगी, और पिक्चराइज भी बहुत अच्छा हुआ है, हो चुका है, वो हमारे पिछले शेड्यूल में शूट हुआ है, तो लिखा मैंने है, और फराज अहमद जो है उसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और गाने जो गाया है वो लड़का नया है बट बहुत टैलेंटेड है। संजय जी, एज ए प्रोड्यूसर कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर, और क्यों आपने इस फिल्म को चुना, क्या ऐसी यूएसपी होने वाली है इस फिल्म की, क्या कुछ खास बात है इसमें? एक्साइटेड तो काफ़ी हूँ मूवी को लेकर के, क्योंकि सब्जेक्ट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इसका, और जब डायरेक्टर ने मेरे को सब्जेक्ट सुनाया तो उसी टाइम मैंने उनको बोल दिया था कि ये सब्जेक्ट मैं ही करूँगा, और तुरंत इसके ऊपर फिर प्री प्रोडक्शन का काम स्टार्ट कर दिया और शुरू हो गया, और 2 महीने के अंदर अंदर ही सारा काम इसका हो गया, तो 1 महीना हो गया इसका शूट को, आज लास्ट डे है इसका। थैंक यू। काफ़ी चैलेंजिंग है मेरे लिए। रिमी दे है, बंगाल से बिलोंग करती हूँ, कैरेक्टर भी थोड़ा मिला जुला ही है, कैरेक्टर बोल है और नेगेटिव पॉजिटिव बोल से। तो रिमी, बैकग्राउंड क्या है, पहला प्रोजेक्ट है डिफिस में आपकी या नो? इससे पहले भी मैं काफ़ी काम कर चुकी हूँ, जैसे कि ओएफ सीरीज, शॉर्ट मूवीज, एंड एंड फीचर फिल्म भी कर चुकी हूँ, अभी मेरा ओएफ सीरीज चल रहा है, बाकी तो अक्टूबर तक रिलीज हो ही जाएगा। टू एक्साइटेड एक्चुअली, हमने बहुत एफर्ट दिए हैं इसमें,
एंड मेरी कैरेक्टर तो दो शेड्स हैं इसमें, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ, एंड आई एम टू एक्साइटेड. तैयारी कुछ नहीं, सर जिस तरह से बोलते हम वैसे ही करते, उस कैरेक्टर में डूब जाते, एफर्ट दे रहे हैं हम लोग. आमतौर पर या ऐसे भी इंडस्ट्री में भी काफ़ी इंसिडेंट होता है, आपको क्या अनुभव हुआ अभी तक और क्या कहना चाहिए? तो इंडस्ट्री रिलेटेड नहीं है ये, लेकिन आजकल आजकल की जो घटनाएं हो रही है, हमारा मेन उद्देश्य है जो खराब कर्म करते हैं तो इसी जन्म में या फिर अगली जन्म में इसका रिजल्ट उसको मिल भी जाता है. तो कहानी थोड़ा अलग ही किस्म की है, आपको अच्छा लगेंगे आप लोग जो आएंगे देखने, वेरिएशन है. थिएटर आर्टिस्ट हूँ और इस प्रोजेक्ट से जो मैं जुड़ा हूँ, ऑडिशंस हुए थे सो उसी के माध्यम से मैं यहाँ पे आया हूँ. ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और जैसा कि आपने पूछा कि रेप केस बहुत ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान में बढ़ चुके हैं, उसी के उसी पे आधारित है ये मूवी भी. रियलिस्टिक है, ट्रू इवेंट है. सो एक सामाजिक तौर पर देखा जाए कि किस तरह से एक लड़की का, उसकी बेटी का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे समाज में आज बहुत ज़्यादा कुचलन हो चुका है. सो कहीं ना कहीं ये कटास करेगा समाज पे भी, और जो हमारी पॉलिटिक्स है उस पर भी कहीं ना कहीं ये सवाल या निशान खड़ा करेगा. सो बहुत अच्छी, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत मज़ा आ रहा है इसको करने में. आपने काफ़ी लगता है प्रिपेयर किया एज एन एक्टर बनने के लिए, काफ़ी बिल्डअप अच्छा, तो क्या कहते हैं कितना चैलेंज हुआ डेब्यू फिल्म में मिलना, काम मिलना, और किस तरह से चैलेंज फेस किया अभी तक? देखिए ये डेब्यू फिल्म तो नहीं है मेरी, इससे पहले मैं दो मूवी कर चुका हूँ. बट हाँ, बींग ए आर्टिस्ट, एक कलाकार होने के नाते हर दिन हमारे लिए एक चैलेंज होता है. सो जो हमारी आने वाले कलाकार हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, सो मैं उनको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि हर जगह, हर गली मोहल्ले में कहीं ना कहीं एक एक्टर होता है, ऑब्जर्व करना होता है हमें, और चैलेंज तो यस. मैं एक मॉडल की किरदार कर रही हूँ इधर, आगे तो आप देख ही लोगे क्या है किरदार की मेन थिंग्स, बट हाँ इट्स अ क्वाइट बोल्ड कैरेक्टर. जैसे भी कोई ऐसा कांड होता है देश में तो लोग कहते हैं कि छोटे छोटे लोग ऐसे इस प्रकार की वारदात ज़्यादा होती है, तो आप इसी प्रकार से वही वेशभूषा में आपको इंडिया इंडियन माइंड सेट है, छोटे कपड़े तो हम विदेश में भी पहनते हैं लेकिन इधर होते नहीं हैं, लेकिन इधर होते हैं, तो हमें वही माइंड सेट ही बदलना है. एक्चुअली इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, वाई शुड नॉट, मतलब ड्रेस में क्यों नहीं, ड्रेस आप वही पहन तो जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं, हम कंफर्टेबल होता है सिंपल. देखिए कभी भी कपड़े मायने नहीं करते, हमारी सोच मायने करती है कि हमारी सोच किस पर आधारित है, कैसी हमारी सोच है, और ये सारी वारदातें हमारी सोच पर ही मैटर करती है, कपड़ों का इसमें कोई लेना देना नहीं होता. वही चीज़ है, आप खुद देखिए कि 6 साल की बच्ची क्या किस तरह के कपड़े पहनती है. यहाँ हमारे ये बिल्कुल, ये टोटली हमारी सोच पर मैटर करता है कि हमारी सोच कितनी घटिया है. हमारी मूवी तो उस टाइम की थी जब लोग कपड़े पहनते तब भी रेप होते थे, तो इट्स अबाउट इंडियन माइंड सेट.